आज सुबह जब मैं मूवी देखने गया था योद्धा अर्ली मॉर्निंग शो, भाई साहब मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, वहां पे शैतान की ऑडियंस योद्धा से ज्यादा थी। ये बोलते हैं रियल जो क्वालिटी कंटेंट होता है ना उसकी ताकत। मैं आपको बताता हूँ शैतान डे 8 पे क्या धमाल करके बैठी है और योद्धा का भी क्या कुछ चल रहा है, रिस्पांस कैसा है यार। तो क्या है आपका हाल? वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। योद्धा का जो आज की प्रेडिक्शन आ रही है बॉक्स ऑफिस की डे 1 की, वो मैक्स टू मैक्स पहुंचेगी 375 से 4 करोड़ रुपए। तो मैं ये मान के चलता हूं, मेरा कल तक मुझे लग रहा था 6 तो टच करेगी, मतलब फर्स्ट डे पे योद्धा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। अब ये जो जितने रिव्यूज चल रहे हैं भाई, मुझे सच में नहीं समझ में आता कि इतना बड़ा चढ़ा के बोलने का क्या मतलब। मैं खुद मूवी देखकर आया हूं, इतनी अच्छी मूवी मुझे नहीं लगी। बट रिव्यूज ऑब्वियसली सब्जेक्टिव होते हैं तो उस टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाएंगे, सबकी अपनी चॉइस होती है। बट योद्धा 4 करोड़ रुपए, शैतान जो मेरी शायद मुझे लग रहा है 2024 की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ही होगी, अभी से मुझे ऐसा लग रहा है भाई। 8वें दिन थिएटर के अंदर ऑडियंस देखने के बाद मैंने अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चेक करी, मैंने कहा भाई कुछ तो करेगी मूवी। वीक 1 में शैतान कितने था? 80 करोड़ का वीक 1 निकला। आज है डे 8, शैतान आज भी 5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा टच कर रही है। मतलब ये आपको फिगर 4.75 से 5 के आसपास देखेगी। आप देख रहे हो शोज बट चुके हैं, लेकिन शैतान का वर्ड ऑफ माउथ, तभी मैं शुरू से, मैं 1 हफ्ते से शैतान को बहुत सपोर्ट कर रहा हूं। मैं शैतान नहीं बोलूंगा, मैं अजय देवगन का प्रोडक्शंस ने इतनी अच्छी जो सिलेक्शन करी है, एक क्वालिटी कंटेंट को यार सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर इनको आज सपोर्ट ना मिला ना, तो मैं अब रीमेक वाले इशू पे भी है कि हाँ भाई रीमेक है वो मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी रीमेक सिलेक्शन भी एक अपने आप में बहुत बड़ा स्किल है जो सिर्फ अजय देवगन के पास है। और मैं बहुत बहुत इंप्रेस हुआ अजय देवगन से। मेरा ऐसा मानना है अगर 80 करोड़ पे वीक 1 हो चुका है, ये 5 करोड़ पे आज लाएगी, 7 कल ले आए, 12 और 8 संडे को ले आए, 20, 100 करोड़ का सेकेंड वीकेंड के बाद आएगा। शैतान जानी चाहिए, अगेन रिपीट कर रहा हूं, शैतान जानी चाहिए 150 करोड़। अब ये जाति कितनी है वो भी टाइम बताएगा, बट देखो आज का ये एक चीज क्लियर हो गई है, योद्धा भी रिलीज हुई, बस्तर भी रिलीज हुई, नंबर 1 चल रही है शैतान। इसका मतलब शैतान ने डे 8 पे योद्धा, शैतान योद्धा पे पड़ चुके हैं भारी। तो भाई अंडर एस्टिमेट किसी चीज को नहीं करेंगे, योद्धा को भी सपोर्ट पूरा मिलेगा, बट उतना ही जितनी मूवी वो बनी है। अगर मूवी उतनी अच्छी नहीं बनी तो ऑडियंस को पता चल जाएगा, हल्ला मचाने से यूट्यूब पे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, मैं मूवी देख कर आया हूं। बट एनी वे सिद्धार्थ मल्होत्रा वॉज लुकिंग गुड। योद्धा भी कर जाए भाई, अपना कॉस्ट वॉस्ट निकाल जाए जो भी है, बट शैतान जरूर चलनी चाहिए, ऐसी मेरी विश है। और मैं 150 करोड़ हो गए तो मतलब फैंस के मजे आ जाएंगे शैतान के लिए। कल का भी देखने वाली बात होगी, शैतान कौन से आंकड़े तक पहुंच रही, बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल का भी दिन। टेक केयर, बाय बाय।